ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, जब किसी व्यक्ति के चेहरे की चमक गायब होती तो मात्र चेहरे की चमक गायब नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है इसका तेज खत्म हो गया है। जब तेज खत्म होता है, चेहरे की चमक गायब होती है, तो उस व्यक्ति का मन किसी काम में नहीं लगता। वह व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, निर्बल हो जाता है, और साथ ही वो एक ही बात को बार 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 सोचता रहता है। उसको चिंता होती रहती है, तनाव होता रहता है, कहीं खोया खोया रहता है, मतलब सोचता रहेगा। और उसके साथ ही उसकी इंद्रियां यानी कि रसना वासना, कुछ स्वाद इंद्रिय, कुछ ये इंद्रियां भी कमजोर हो जाती हैं, और उसका शरीर रूखा सूखा कमजोर, और साथ ही हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति इस व्यक्ति के साथ बन जाती है जब चेहरे की चमक भी गायब हो जाती है, और साथ में कई बार ये भी समस्याएं हैं। तो मित्रों, इसका समाधान आज हम आपको बताने जा रहे हैं। समाधान आप इसका कैसे करेंगे, और इसका समाधान से पहले ये क्या होता है, वो जो ओज है, तेज है, ये क्या होता है, क्योंकि आपने जो चमक की बात की उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही इसका कारण क्या होता है, इसका आप समाधान कैसे करें, मैं आपको सारी बातें विस्तार से बताऊंगी, ताकि आप विस्तार से जब समझेंगे तो अपनी गलतियों को समझेंगे और हमें क्या करना है, कहां से काम करना है। क्योंकि होता क्या, आप लोग कई बार कुछ चीजें देखते हो, सुनते हो, करने की कोशिश करते हो, पर आपको परिणाम नहीं मिलता, फिर आपको लगता है कि यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरे के साथ कोई सुधार नहीं हो सकता, मेरा तो अब जीवन ही ऐसा बीतेगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये समस्या है। तो मित्रों, हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुने, निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको आपकी इस समस्या से समाधान अवश्य मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बताती हूँ कि ये चमक गायब जो होती है, चमक का रूप क्या होता है। मित्रों, जब जिसे हम चमक कहते हैं ना, चेहरे की चमक, उसको दूसरे शब्दों में कहें तो चेहरे का तेज भी कहा जाता है। और मित्रों, ये तेज है, इसके पीछे जो काम करता है, मित्रों कोई भी चीज जो सामने होती है ना, उसके पीछे कुछ होता है। जैसे कि हाथ में मेरे जो असर दिख रहा है, उसके पीछे उसका मांस और जो सब वो काम करता है मित्रों। तो वैसे जो हमारा तेज होता है, उसके पीछे हमारी ओज धातु काम करती है। अब ये ओज धातु क्या होती है, कैसे विकसित होती है, इसका रंग रूप क्या होता है, ये कहां से कैसे पुष्ट होती है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। यदि आप इस बात को समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी अपने चेहरे की चमक को वापस लाने में। तो मित्रों, सबसे पहले बता दूं ओज होता क्या है। जब एक बच्चा मां के गर्भ में पनप रहा होता है, तो जो पिता का बीज होता है, मां का जो गर्भाशय होता है, उस समय जो माता पिता की जो सोच होती है, वहां से बच्चे की ओज धातु का बनना शुरू होता है। उसके बाद माता जो खाती, जब बच्चा गर्भ में होता है, जो माता खाती है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, तो माता जो खाती है, उसको जो वातावरण मिलता है, उसको जो सराउंडिंग मिलता है, उसके साथ जो उसका खान पान रहन सहन होता है, उन सब पे उसकी ओज धातु बनती है, मजबूत होती है और पुष्ट होती है। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो छोटा होता है वो डरता है, और जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, वैसे उसके मन का डर धीरे धीरे कम कम कम, और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, युवा होता है, तो डर खत्म हो जाता है। क्योंकि युवा होने तक उसकी धातुएं सारी पुष्ट हो जाती हैं, पोषित हो जाती हैं, शरीर विकसित हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर एक नया सामर्थ्य, नया जोश, नया उत्साह, नई उमंग और नई शक्ति उसके भीतर जागृत होती है, जिसके साथ वो अपने जीवन का निर्माण करता है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन एक समय जाता है और वो वृद्धत्व की ओर आता है, तो वापस उसकी धातुएं जो क्षय होती है, ओज धातु क्षय होती है, तो वहां उसको वापस थोड़ा डर लगने लग जाता है। तो इस तरह से ये जीवन चलता है मित्रों। इसीलिए कहा जाता है कि युवा कुछ भी करने में समर्थ है, लेकिन वृद्धों को कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए, और बच्चे तो अभी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनको भी समय लगेगा। तो मित्रों, ये इसका क्रम है बनने का। और मित्रों, भी इसका रंग रूप कैसा होता है मैं आपको भी बता दूं, इसका जो रंग है ना, वो गाय के घी की तरह चमकदार पीला सा होता है। अब मैं मित्रों, ये भी रंग पीला है, पर ये चमकदार नहीं है। गाय का जो घी होता है ना, सोने जैसी आभाली चमकदार होता है मित्रों। तो वैसा ही ओज धातु का रंग होता है, सुनहरी चमकदार रंग। तो मित्रों, वैसी ही आभा फिर हमारे चेहरे पे दिखती है, हमारे शरीर में दिखती है। इसलिए कहा जाता है युवा जो मजबूत होता है ना, आप देखिए उसके चेहरे की आभा, आप देखते ही दंग रह जाएंगे कि वाकई कोई युवा है ये, तब ऐसा लगता है जब ऐसे युवा दिखते हैं। तो मित्रों, ये उसकी चमक होती है। इसका जो रंग होता है ना, ये मैंने बता दिया। इसके बाद इसकी जो गंध होती है, जो चावल की खील होती है ना, चावल की खील या चावल का लावा भी बोलते हैं, जो धान होते हैं उसको भाड़ में भूंजा जाता है। दिवाली पे अक्सर जो चावल का धान का जो लावा या खील जो मैं बता रही हूँ, उसका इस्तेमाल होता है, अक्सर दुकानों पे आपको तब मिल जाएगा। और उसके बाद इसकी जो स्मेल होती है ना, ये वैसी होती है, और इसका जो स्वाद है वो शहद की तरह मीठा होता है। अब मित्रों, ये तत्व क्या होता है, हम जो खाते पीते हैं उसका जो सार यानी कि एक्सट्रैक्ट जो होता है ना, वो ओज होता है। वैसे ही जैसे आपने देखा होगा, एक मधुमक्खी होती है ना,
कितना बड़ा फूल होता है उसमें से थोड़ा सा कण जो उसका मूल होता है वो लेके निकल जाती है, बस वही उसका पराग होता है, वही उसका सार होता है। वैसे हम जो भोजन करते हैं, हम सोच विचार करते हैं, उसका पूरा सार हमारी ओज धातु होती है, और वही ओज जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो हमारे चेहरे पे हमारे शरीर में चमक बन के सामने आता है और वो विश्वास दिलाता है। तो मित्रों ये इसका स्वरूप होता है, किसका, ओज का, जो हमारे चेहरे की चमक के रूप में सामने आती है। अब ये जो ओज होता है इसका क्षय यानी कि इसका नाश होने के कारण क्या है, यानी कि चेहरे की चमक जाने के कारण क्या है। मित्रों इसमें बहुत बड़ा कारण है आज के युवाओं के साथ जो होता है कि किसी किसी युवा को बहुत जल्दी बॉडी बनाने का शौक चढ़ता है, यानी कि हमें बॉडी बिल्डर बनना है, हमें शरीर बनाना है, हमें अपनी मसल्स को मजबूत बनाने की मसल्स, हमें ये जो डोले शोले बनाने का जो शौक चढ़ता है ना, उसमें कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लग जाते हैं काम में, उनको पता नहीं होता कैसे क्या करना है, और कभी कभी वो बहुत जल्दबाजी में करते हैं कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे हम बॉडी बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उनका ओज होने के साथ ही कई बार तो जीवन तक समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ऐसी गलती यदि आपने की है या कर रहे हैं तो इसे तुरंत बाहर आ जाइए, ये आपके लिए घातक है, आपका जीवन तक समाप्त कर सकती है। उसके अलावा कुछ लोगों को काम ऐसा करना पड़ता है, जैसे मजदूर वगैरह होते हैं, उनको काम ऐसा करना पड़ता है जिससे उनके शरीर में कई बार पोषक पदार्थ तो मिलते नहीं है पर श्रम बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है, चलना भी पड़ता है, उसके अलावा काम भी ऐसा वजन उठाने वाला करना पड़ता है कि उनके शरीर में जो धातु है वो ये ओज धातु पुष्ट नहीं हो पाती है, जिससे उनका शरीर उतना उनका चेहरा उतना तेजवान नहीं हो पाता है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी अनशन करते हैं या अति उपवास करते हैं, आपने देखा होगा जैनियों में कुछ उपवास होते हैं, हमारे यहाँ नवरात्रि में भी कुछ उपवास होते हैं, तो जिसमें क्या होता है पूरा पूरा दिन रात कुछ खाया नहीं जाता, फलाहार पे रहते हैं, कुछ लोग मात्र जल पे रहते हैं, तो इस तरह से जब आप ये व्रत करते तो उस समय चेहरा अपने आप यानी कि शरीर अपने आप थोड़ा सा क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और ऐसी स्थिति में ओज धातु का नाश होना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि जो शरीर है ना वो भोजन ओज धातु से ही बना के एक्सट्रैक्ट से ही भोजन बना के अपना काम चला लेता है। उसके अलावा कुछ लोगों को आदत होती है जागरण करने की, यानी कि रात्रि जागरण करते हैं दिन में सोते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपके शरीर की स्थिति बनती है वो बहुत ही विकृत हो जाती है, क्योंकि रात्रि जागरण से पित्त प्रकोपित होता है, और कुछ लोग जब दिन में सोते तो उससे जो कफ है ना वो विकृत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं जो आपके लिए घातक होती हैं। उसके बाद कुछ लोगों की आदत होती है चिंता बहुत करते हैं, उनको छोटी छोटी बात पे चिंता होती है, कुछ लोग कहते भी हैं अरे चिंता तो करनी पड़ती है तो जीवन कैसे चलेगा, अरे चिंता करने की चीज नहीं है, जरूरत नहीं है, जो होना है वो होना है, बस अपने कर्म को ठीक से करिए, आप कभी दुखी नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं करते नहीं है कुछ, उसको चिंता करते रहते हैं, और चिंता की स्थिति में उनके साथ फिर भय और क्रोध भी जुड़ जाता है, जब उनको भय होता है क्योंकि चिंता जब करेंगे ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो और ऐसा नहीं हुआ तो, और उसमें उनको डर लगने लग जाता है, और जब डर लगने लग जाता है और उसके बाद साथ में उनको क्रोध और गुस्सा, क्रोध और साथ में शोक ये भी जुड़ जाता है, क्योंकि जब अंदर ही अंदर ख्यालों में की दुनिया बन जाती है उसमें वो गुस्सा भी कर लेता सब कुछ हो जाता है, और उसका असर उनके शरीर पर दिखता है और कई बार वो दृश्य रूप में भी सामने आ जाता है, लोगों पे उतर भी जाता है, तो ये सब चीजें जब जो कोई करता है तो उसके साथ भी स्थिति बन जाती है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनको तेज हवा में काम करना पड़ता है, तेज धूप में काम करना पड़ता है। मित्रों तेज हवा में रहने से भी हमारे शरीर में जो है ना वात विकृत होता है, तो उससे के भी दुष्प्रभाव होते हैं, और तेज धूप में रहने से हमारी जो पित्त धातु है वो प्रकोपित हो जाती है, जिससे अंदर के यानी कि हमारे ओज का क्षय हो जाता है। उसके बाद कभी कभी रक्त कफ विकृत हो जाता है, और रक्त में कुछ विकार आ जाते हैं। रक्त में विकार कैसे आते हैं, हम जो खाते पीते हैं उससे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं, जैसा कि मैंने कहा उसका एक्सट्रैक्ट होता है, तो अब आप क्या खा रहे हो वो देखिए सबसे पहले, यदि आप ऐसी चीज खा रहे हो जो आपको पोषण दे रही है तो आपके शरीर को पोषण मिलेगा, लेकिन यदि आप ऐसी चीजें खा रहे हो जो आपके शरीर को पोषण नहीं दे रही है तो स्वाभाविक है कि आपका एक्सट्रैक्ट आपके जो भोजन का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपको ओज धातु नहीं बनाने दे रहा, इसलिए आपके चेहरे का तेज क्षीण हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हस्तमैथुन आदि की आदत पड़ जाती है। मित्रों जब आप हस्तमैथुन की आदत आपको पड़ जाती है तो यहाँ रज और वीर्य धातु का नाश होता है, जिससे भी शरीर का क्षरण होने यानी कि उसका धोवन चालू हो जाता है और वो कई बार समस्या बन जाती है। उसके अलावा कुछ रोग ऐसे हो जाते हैं जो गर्मी से हो जाते हैं, वात से हो जाते हैं, और कफ विकृत होता है तो भी कई बार शरीर में ये समस्या बन जाती है। अब मित्रों इसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं आपके साथ हैं, पर इतने मैंने मुख्य कारण बता दिए जिससे ओज धातु का नाश होता है। अब मित्रों इसका सीधा सा मतलब है शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, कृश हो गया यानी कि दुबला पतला हो गया और शक्तिहीन हो गया है। अब आपको अपने शरीर को वापस से खड़ा कैसे करना है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। मित्रों ये आपके कारण हमने बता दिए, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि तेज कैसे आता है। आप सोचो कि कुछ चेहरे पे लगा लें तेज आ जाएगा, वो ऊपरी होगा
अंदर से आपको मजबूती बिल्कुल नहीं देगा, वो आपके अंदर के आत्मविश्वास को नहीं जगाएगा, वो आपके अंदर शक्ति सामर्थ्य को पैदा नहीं करेगा, वो आपके किसी भी तरीके से अंदर से मदद नहीं कर सकता। और जो ऊपर से आप लगाएंगे वो कुछ समय के लिए आपको काम करेगा पर स्थायी काम नहीं करेगा, पर जो अंदर का तेज होता है वो हमेशा के लिए काम करता है मित्रों। तो चलिए अब अंदर के तेज को कैसे बढ़ाया जाए हम आपको वो बताएंगे मित्रों। इस समय आपके शरीर में सबसे अधिक समस्या जो है आपकी कफ धातु क्षीण हो गई है, वात और पित्त विकृत हैं, यानी कि ये आपको शायद ऐसे समझ में ना, इस पर मैं हमारी पुलिस जांच विभाग में हमने वीडियोस दिए हैं, आपको वहां देखेंगे तो पता चलेगा, और मैं कुछ वीडियोस और भी देने वाली हूं उसमें, ताकि आपको और विस्तार से समझ में आए कि वाकई कफ वात पित्त क्या है, तो मैं उसको एक अच्छे से माध्यम से आपको समझाने वाली हूं, बताने वाली हूं, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। अब मित्रों जब ये समस्या बनती है तो जो कफ क्षय हो गया यानी कफ का नाश हो गया, कफ कम हो गया, आप बोलेंगे हमें सर्दी जुकाम बार बार होता है, कफ बनता रहता है, पर वो विकृत कफ है मित्रों, वो संस्कृत कफ नहीं है, क्योंकि आपका शरीर क्षीण हो गया, इससे पता चलता है कि आपके अंदर क्या स्थिति बनी हुई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके भोजन में तीन चीजों को अवॉइड करना है, तीन तरीके की चीजों को, और तीन तरीके की चीजों को शामिल करना है। आप जो स्वाद लेंगे, आपको जो स्वाद लेना है वो मीठा, नमकीन और खट्टा, ये तीन स्वाद आप ले सकते हैं, पर इनमें ध्यान रखना है मीठे मीठा चीनी का नहीं लेना, हो सके उतना प्राकृतिक मीठा लेंगे तो ज्यादा अच्छा। नमक जो है वो आपको नमक के रूप में यानी कि नमकीन, ये नमकीन वगैरह नहीं खाना है, जो फरसाना वगैरह था वो नहीं खाना है, घर का ताजा बना हुआ भोजन आपको करना है। उसके अलावा जो आप खट्टा लेंगे, खट्टे में आप कोकम की जो खट्टाश होती है, कोकम एक फल होता है, कोकम के नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, उसका सूखा फल होता है। उसके अलावा आप नींबू प्रयोग कर सकते हैं, हल्का फुल्का टमाटर प्रयोग करेंगे, खाने पे सारी चीजें प्रयोग कर सकते हैं, पर ध्यान रहे वही चीजें आप प्रयोग करेंगे जो आपके शरीर को पोषण देगी, मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी। और उसके अलावा आपको जो स्वाद नहीं खाने, मैं आपको बता दूं, कटु तिक्त कषाय, ये संस्कृत में कहा जाता है, कटु तिक्त कषाय, तीन स्वाद आपको नहीं खाने। कटु यानी कि इसको कटु को हमारी हिंदी भाषा में तीखा कहते हैं, तिक्त यानी कि कड़वा होता है, कड़वा यानी कि नीम करेला जैसा, और कटु यानी कि मिर्ची, ये सब होता है, और कषाय यानी कि कसैला, जैसे कहें तो आम का जो आम की जो अंदर की गुठली होती है ना, आम आपने खा लिया उसकी जो गुठली होती है उसको तोड़ेंगे तो अंदर एक गिरी निकलती है, उसका जो स्वाद होता है ना वो कसैला होता है। तो वैसा स्वाद यदि आपको खाएंगे तो आपकी धातुएं पुष्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको धातुओं को पोषित करना है, तो धातुएं पोषित करने में सबसे अच्छा जो काम करता है वो मीठा स्वाद करता है। अब मीठे स्वाद में जिसको शामिल किया जाता है उसमें आता है दूध, घी, दूध से बनी हर मिठाई, हर चीज, और जो चीज स्वाद में मीठी है, जो प्राकृतिक मीठी, जिसमें हम शहद भी शामिल कर सकते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं, ये आपके शरीर में पोषण बढ़ाएंगे। आप शहद कैसे लेंगे, कैसे आपको क्या लेना है मैं आपको बता दूं। और मित्रों कई बार होता है कि यदि आपका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया तो कई बार आप कुछ चीजों को पचा नहीं पाते हो, तो आपको जो भोजन करना है ना, आपको हेल्दी भोजन करना है पर बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना है, ध्यान रखें तो थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार भी नहीं खाना है पर हाँ थोड़ा थोड़ा खाएं। आपको पेट ओवर भर के नहीं खाना है, पेट भर के आप खा सकते हैं, ओवर नहीं खाना है, और एक बार भोजन पच जाए उसके बाद आप दोबारा भोजन करेंगे, भले वो तीन घंटे में पच जाए, चार घंटे में पच जाए, आपको लगे कि हाँ पेट खाली हो गया तो आप दोबारा भोजन कर सकते हैं, उसमें आपको समस्या नहीं है। यदि आपको भोजन नहीं पचा तो आप दोबारा भोजन ना करें, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। भोजन पचा नहीं पचा कैसे पता चलेगा, आपका पेट हल्का हो गया, आपको डकारे नहीं आ रही जो आपने खाया उसकी, तो समझ लीजिए कि आपका पेट हल्का हो गया और आपको भूख लगी तो दोबारा भोजन कर सकते, बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए, आयुर्वेद कहता है। अब मित्रों उसके आगे मैं आपको विस्तार से थोड़ी बातें और बताऊं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम का वीडियो दिए हैं, उसका आपको पूरा पालन करना होगा। आप जब नाक में तेल डालेंगे तो जो आपके मस्तिष्क की जो कमजोरी है, जब आप नाक में तेल डालते हैं लेके, जैसे हमने बताया तेल की जो आपके उपलब्ध हो, जैसे हम वीडियो में देखेंगे आपको पता चल जाएगा, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जब आप नाक में तेल डालते हैं तो वो आपके जो सर और यहाँ के जो स्रोत होते हैं ना, जो यहाँ के जो टिश्यूज होते हैं उसको शांत कर देता है, जिससे आपको टेंशन, तनाव और माइंड में जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे उसमें काफी रिलीफ हो जाता है। उसके बाद आप हमारे बताए अनुसार पानी पीते हैं तो उससे आपका पेट साफ होने लग जाता है, जिससे आपके शरीर की गर्मी काफी हद तक कम हो जाती है, जो आपके मन को और आपके पेट को शांत कर देती है। उसके बाद आगे हमने भोजन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वही विस्तार से बताया। अब आप जब आप ये सब चीजें देखते हैं, पालन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि वाकई हमारा शरीर कितना बदल रहा है। पालन करने से पता चलेगा, खाली सुनने से पता नहीं चलेगा। आप कई बार सुन के बोलते हैं कि हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया, परिणाम नहीं मिला, क्रम से वीडियो देखते जाइए पता चलेगा।
उसके बाद मित्रों आपको कुछ निर्देश मैं और दे दूं, आपको जो विशेष पालन करें, आपको अति श्रम यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको मेहनत करनी है, पड़े नहीं रहना है, नींद आती है तो आपको सोना है, पर रात का ही सोना जरूरी है। उसके अलावा यदि रात को आप पूरी रात ठीक से सोइए, उसके अलावा यदि आप दिन में थक जाते हैं सोते कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि दिन में सोते रात को जागते हैं तो समस्या है, ये आपके पित्त को बढ़ाएगा। ध्यान से समझना होगा आपको, रात को जागना नहीं है, उसके बाद यदि आपको दिन में नींद आती है तो आप आराम से सो सकते हैं, पर आपको बिस्तर पर आलसी की तरह पड़े नहीं रहना कि मुझे तो आराम करने को कहते मैं तो पड़ा रहूं, नहीं, ऐसा काम नहीं करना। पड़े रहेंगे तो आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। आपको अपनी मेहनत करनी है, एक स्थिति में की मेहनत आपको करनी है, थोड़ा व्यायाम भी करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं, यदि आप ये करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में थकान भी आएगी, आप विश्राम भी करेंगे, जिससे आपकी जो शरीर में जो जहां आपके जो सूखापन पड़ा है ना शरीर में, वो सब आपका एक्टिव हो जाएगा, जिससे आपके शरीर में वापस आपकी जीवनी शक्ति का संचार होगा। अब इसके साथ जो आप भोजन करेंगे तो आपके शरीर को जो हेल्थी भोजन आप करेंगे, क्योंकि बाहर का खाना आपको खाना नहीं है, स्वास्थ्य नियम में सारी बातें बता रखी हैं, तो जब आप वो करेंगे तो आपके शरीर को वापस पोषण मिलना शुरू होगा और वो पोषण आपके शरीर को वापस मजबूती देगा। और मित्रों कुछ बातें मैं विशेष बता दूं जो आपको पालन करें, क्योंकि आपके रक्त में विकार आया है इसलिए सारी समस्याएं होती, क्योंकि कहना रक्त के आगे सारी धातु जाके बनती है। तो मित्रों रक्त की कमी को सही करने के लिए, रक्त की कमी है तो उसको ठीक करने के लिए आपको एक काम सबसे अच्छा करना, क्योंकि हर किसी के बस का बहुत सी चीजें फल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खरीद के खाना नहीं होता है, तो आप एक काम करिए, कढ़ाई ले आइए, कढ़ाई बहुत महंगी नहीं आती है, लोहे की कढ़ाई आपको लानी है, थोड़ी मोटी तली होगी तो अच्छा है, लोहे की कढ़ाई ले आइए। लोहे की कढ़ाई में आपको अपने घर का भोजन बनाना है, लोहे का तवा और लोहे की कढ़ाई, कम से कम दो बर्तन आपके घर में लोहे के होने चाहिए, जिसपे आप रोटी तवे पे बनाएंगे और सब्जी कढ़ाई में बनाएंगे। यदि आप ये करते हैं तो आपको कभी भी कोई आयरन की गोली खानी नहीं पड़ेगी, आपका आयरन ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपकी लोहे की यानी कि लोहे की कमी यानी कि खून की कमी दूर हो जाएगी। तो लोहे के बर्तन में आपको खाना बनाना है, बस इतना ध्यान रखें उसमें जंग लगा ना हो, बनाने से पहले उसको साफ करके धोके साफ कर लें, उसको चढ़ा दें, उसके बाद जब भोजन बन जाता है उसमें काला हो गया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जो आयरन की गोलियां खाते हैं उसके बाद सुबह जब पॉटी होती है आपकी वो काली काली होती है, वैसे ही आपका जो आयरन जो है ना वो आपके सब्जी में मिल गया है, कोई करती है। पर हाँ, खाना बनाने के बाद तुरंत ही लोहे के बर्तन को खाली कर दें, यानी कि लोहे के बर्तन से खाना पलट के किसी और बर्तन में कर दें, पर एल्युमिनियम के बर्तन में बिल्कुल ना करें, बाकी कोई भी बर्तन चलेगा। और चीनी मिट्टी के बर्तन में यदि आप पलट रहे हैं तो ध्यान दें वो कहीं दरार वाला नहीं, कि चरा फटा ना हो, उसमें उसके पोषक तत्व नहीं होते, यानी कि वो जहर होता है उसमें, तो आपको ये चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। बाकी बर्तन आप लोहे के अलावा पीतल का होगा चलेगा, स्टील का चलेगा, कांच का चलेगा, तो इसका आप ध्यान रखिए। स्टील के बर्तन नॉर्मली सबके घर में होते, तो आप स्टील के बर्तन में उसको पलटिए, ना कि एल्युमिनियम और टूटे हुए ये चीनी मिट्टी के बर्तन में, इतना ध्यान रखें। तो मित्रों ये जो आपको हमने भोजन का तरीका बताया, सोने का तरीका बताया, जैसे कहा कि रात्रि आप जल्दी सो जाएंगे, सुबह आप जल्दी उठेंगे, तो और दिन में सोएंगे नहीं, रात को सोएंगे, और दिन में नींद आए, रात को सोने के बाद दिन में नींद आए तो आप सोएं, मैं ये बार दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि आपको माइंड में स्पष्ट हो जाए। कई बार आप लोग सेम गलतियां करते हैं और फिर सुधार नहीं होता, तब आप प्रश्न करते हैं कि हमें समाधान नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। तो मित्रों आप इतना पालन करेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि एक साथ में सब कुछ नहीं हो जाएगा, धीरे 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 आपकी धातुएं वापस पोषित हो जाएंगी, पुष्ट हो जाएंगी, और आपके चेहरे का तेज ओज वापस आ जाएगा और आपकी आभा फिर से पहले के समान खिल जाएगी। अब कितना समय आप लगाते हैं, कितने निर्देशों का पालन करते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन के कितने वीडियोस देखते हैं और कितना पालन करते हैं, कितना थोड़ा प्राणायाम भी करेंगे तो सहायता मिलेगी, तो सब पालन करेंगे तो पूरा आराम मिलेगा। और फिर भी कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां भी प्रश्न कर सकते हैं, उसके अलावा हमें वहां फॉलो कर सकते हैं, हम वहां कुछ मोटिवेशन थॉट्स वगैरह डालते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।